देश में राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद हो गया है। 19 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को इसके नतीजे आने हैं। तो आइए जानते हैं भारत में राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, कैसे और कौन करता है वोट। लोकसभा, राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट करते हैं। सभी राज्यों के विधायक भी वोट करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक सदस्य एक ही वोट कर सकता है। वोटर बता सकता है कि उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद कौन है। वोट डालने वाले सांसदों, विधायकों के मत की वैल्यू अलग अलग होती है। ये वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। सांसदों के मतों के वेटेज का तरीका कुछ अलग है। इस बार 776 सांसद, 4033 MLA राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। सांसद और हर राज्य के MLA के वोट की वैल्यू अलग होती है। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700, यूपी के एक विधायक की वैल्यू सबसे ज्यादा 208, सिक्किम के एक MLA की वैल्यू सबसे कम सिर्फ 7। इस बार सभी सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,98,882। जीत के लिए 5,49,442 वोट जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं कि कौन नहीं कर सकते हैं वोट। राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसदों को वोट का अधिकार नहीं। लोकसभा के 2 मनोनीत सांसद भी वोट नहीं कर सकते। 9 राज्यों की विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते। रेस से कैसे बाहर हो जाते हैं प्रत्याशी? जिसे पहली गिनती में कम वोट मिलते हैं वो बाहर हो जाता है। वोटर्स बैलेट पर अपनी दूसरी पसंद भी बता सकते हैं। दूसरी पसंद के वोट बचे दूसरे उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं। ये वोट मिलने से कैंडिडेट जरूरी नंबर्स तक पहुंच जाए तो वो विजयी होता है।